ऑलराइट गाइस, कैसे हो सारे? आई होप अच्छे होगे, फिट होगे, फाइन होगे, हेल्दी होगे। कर्मा भाई का नया ट्रैक आ गया है विद सेज ऑन द बीट बॉय, जो कि है भगवान। अब ये ट्रैक कर्मा ने बताया हुआ है कि मैं कभी ऐसे ट्रैक नहीं बनाता हूँ, बट दिस वन इज स्पेशल, सो आई वॉन्ट टू सी। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि क्या पता ये भी कुछ कुछ हटके हुआ, बिकॉज एवरी टाइम जब भी आप ईयर की एंड में ट्रैक डालते हो, या तो वो अपने सेल्फ अपने ऊपर डालते हो कि लाइक मैं बहुत ही अच्छा करा इस महीने, इस साल पूरा अच्छा किया मेरा, मैंने ये सब करा, ये सब करा और मैं टॉप रहा, या फिर आप थोड़ा सा ऐसे डालते हो कि लाइफ से रिलेटेड डालते हो। तो लेट्स गो, लेट्स सी। मैंने ये नहीं सुना अब तक और रील पे भी नहीं देखा अब तक, बट लेट्स गो। एक था टाइम मैं छोटी मोटी कर रहा था राइम, मेरा सपना था रैप का और कर था पढ़ाई, वॉज अ गुड बॉय, मेरी आंखों में थी शाइन, फेस पे थी स्माइल, लड़का था काइंड। मैं और मेरा दोस्त साथ जाते थे स्कूल, पापा छोड़ने भी चेतक पे, इट वॉज कूल, मंगलवार को चिकन वाली करते ना भूल, भगवान का शुक्र, आफ्टर ऑल इट वॉज गुड। डैम ब्रो, हम बिग पहाड़ी हमारे में नॉनवेज बहुत ही ज्यादा बनता है, हर किसी खुशी में, कोई घर पे आया तब बन जाता है, कोई कुछ हुआ तब बन जाता है, एंड मंगलवार को हमेशा भाई मतलब सबका होता है कि भाई आज नहीं, आज तो सादा खाना पे चाहेंगे। मेरे तो बहुत सारे, अभी बहुत सारी जगह, बट ट्यूसडे हो गया मेरा, मेरा सैटरडे हो गया, सो बाकी वैसे बता रहा हूँ जनरली आइडियली। एग्जाम वाला बोर्ड भगवान का शिखर, आस्था थी पूरी, जाता मैं प्रसाद था लेकर, ऊपर वाले पे भरोसा कुछ गलत नहीं होगा, उसका नाम लेके कुछ भी कर, जाने का जिगर, उसके नाम का दिलासा, उसके नाम से था प्यार, मैं मानता था उसी ने बनाया संसार, आंखों में थे सपने, लड़के थे 16 के, मैं लड़ा उससे जिसने कभी मुझे ये बोला के दुनिया में भगवान नहीं है, है तो उसे परवाह नहीं है, यहाँ पे भगवान नहीं है, है तो उसे परवाह नहीं। इट्स गोना बी सो 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 डीप, और भाई बहुत बहुत लोगों के लिए ब्रूटल होने वाला है, बिकॉज ब्रूटल इन द सेंस कि भाई अगर तुम फील लोगे ना, अगर तुम अपने आप को उस बंदे की जगह, कर्मा की जगह रख के देखोगे ना, यू विल फील बहुत ही ज्यादा कि क्योंकि मैं देखो भाई कभी ना तुम्हारे अंदर भी वो रहा है कि भाई गॉड की बिलीव, और वो बिलीव टूटता हुआ दिखेगा इस गाने के अंदर। बहुत ही भाई, बहुत ही बोल सकते हैं ना, एक बारीकी से लिखा गया गाना ये हो सकता है, बट आई वॉन्ट टू सी, मैं जज नहीं करना चाहता एक मिनट के अंदर। लेट्स गो, अरे प्ले हो जा। यहाँ पे भगवान नहीं है, है तो उसे परवाह नहीं, चला लाइफ का पता, मैंने छोड़ा अपना कोर्स था, मैं जॉब पे लगा, कॉल सेंटर पैशन, लाइफ हुई हार्ड, तब बिना भरोसा भगवान से उठा, पैसा कमा रहा था मैं, पर मेरा पैशन था प्योर, तेरा दून छोड़ा निकला दिल्ली की ओर, रास्ते में था हिमांशु का कॉल, पता चला मुझे नहीं रहा मेरा दोस्त, लॉस माय बेस्ट फ्रेंड, आंखें नम बहुत, भगवान से पूछा कि क्यों करा ये, और आवाज नहीं आई ना कोई जवाब, उसकी मैयत पे नहीं गया मैं, cause I was in shock, भगवान पे डाउट आया, पूछा क्यों ये करा, मेरा भाई था वो, माना नहीं था सगा, सच बोलूं तो नहीं मुझे आज भी यकीन, वो था स्विमिंग कोच, तो कैसे डूब के मरा मैं, काफी रोया। भाई 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 क्या बोल दिया यार, वो स्विमिंग कोच था, वो कैसे भरा, क्या ये मेरे साथ क्यों, ये क्वेश्चन आता है, सेल्फ डाउट का क्वेश्चन आता है जब आप नेगेटिव फेज पे होते हो ना, यू विल डाउट योर सेल्फ कि भाई सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये मेरा दोस्त की डेथ कैसे हो गई, जबकि वो स्विमिंग कोच था, वो डूब कैसे गया। डैम भाई, बहुत बहुत इस पर बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बट मैं वो पॉइंट ही लेना चाहता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उस तरफ चल जाएगा, समझ रहे हो ना, उस तरफ चले जाएगा, वो चीज नहीं ला रहा अच्छा रहेगा। Although men don't cry, लेके काफी सवाल आगे बढ़ने का try, 31st New Year, मेरा काम से था off, उस रात जो भी हुआ उसका आज तक एक off, dad के number से call, पर पापा नहीं बोले, अजनबी थी आवाज, जो सुना लगा रो। Dad भी, देखो मेरे को कर्मा के लाइफ के बारे में उतना नहीं पता, मेरे को उतना पता था कि स्टैबर करता है, बट अब जो बता रहे हैं वो बहुत बहुत ज्यादा वो है। देखो नए लोग अगर जितने भी आएंगे ना कर्मा को सुनने के लिए, दे विल डेफिनेटली गोना शॉक बाय दिस सॉन्ग, क्योंकि भाई लाइफ के बारे में इतना खुल के बताना बहुत गट से ही होते हैं, क्योंकि आप जब लिखते हो ना आप उस चीज को रिमाइंड करते हो, जब आप रिमाइंड
बैकफ्लैश आते हैं आपको उस चीज को लिखते हुए, तो जब उसे रिवाइड करोगे ना चीजों को, तो अंदर से भाई इंसान या तो लिख पाएगा या तो उसका वो रो पाएगा, समझ रहे हो, लिखते लिखते रोने वाला सीन रह जाता है वो। फिर इट इज़ अ वेरी गुड पार्ट कि कर्मा ने इसे बहुत ही बखूबी लिखा है और बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म पे लिखा है भाई। हर्ट टचिंग वाली स्टोरी लाइन पूरी समझ आ रही है कि भाई कैसे क्या हुआ और क्यों ऐसा कर्मा अपने आप के बारे में बोल रहा है। तो कैसे डूब के मरा मैं काफी रोया, ऑल द मैन डोंट क्राई, लेके काफी सवाल आगे बढ़ने का ट्राई। 31st न्यू ईयर मेरा काम से था ऑफ, उस रात जो भी हुआ उसका आज तक एक खौफ। डैड के नंबर से कॉल पर पापा नहीं बोले, अजनबी थी आवाज जो सुना लगा रोने। माँ का चेहरा है याद, साथ लिया बस भागा, यकीन नहीं अस्पताल में। इट वॉज अ डेड बॉडी, इट वॉज माई डैड्स बॉडी। मैंने सोचा उठे बस एक बार बोले, उस दिन मांगा भगवान से हाथ खोल कर, उससे कुछ नहीं मिला, फिर भी लोग यही बोले के जो भी होता होता अच्छे के लिए, लेकिन बाप खोना कैसा अच्छा बच्चे के लिए। तब से कोई पूजा पाठ नहीं माना मैंने ठाना पहले तो। वाह वाह, जो होता है अच्छे के लिए, डैड खोना किसी बच्चे के लिए, भाई क्या राय बना दी भाई। फिर बाप मैंने उस रात जाना के दुनिया में भगवान नहीं है, है तो उसे परवाह नहीं है, यहाँ पे भगवान नहीं है, है तो उसे परवाह नहीं। लगा रैप करने पैसा बनाया फ्रॉम पैशन, गानों में निकाला अपना पेन एग्रेशन, जो करते रिलेट वो बोले यंग लेजेंड। गॉट हार्ड ऑन मनी बट हार्डर लेसंस, पैसा भी कमाया और कमाए काफी दोस्त, सब साथ ब्रेड तोड़े मेरे नाम के हैं टोस्ट। शो पे के ए आर में चिल्लाए मेरा नाम, लोग मारते हैं चैंस मेरे काम का है। शॉट टू बैक हिट्स एंड बैक टू बैक टेक, सब फ्यूल में बदला मिली जितनी भी हेट, जिन्हें टीवी पे सुना या तो साथ या खिलाफ। थैंक्स टू माय स्टार्स कर्मा वन ऑफ द ग्रेट्स, आई फील ऊपर बैठे हैं जो रखते ख्याल, मेरे दोस्त मेरे दादा और मेरे फादर साहब। दे मेड दिस श्योर के एम ना चुके, तो तुम ही दो जवाब कैसे मान लूं मैं ये के दुनिया में भगवान नहीं है, है तो उसे परवाह नहीं है, यहाँ पे भगवान नहीं है, है तो उसे परवाह नहीं। The one you lost shall live their dream through you, do your best. भाई अप्लॉजेस, बहुत सारे अप्लॉजेस। देखो गाने को स्ट्रक्चर कितना प्यारा करा गया है कि भाई मैं बिलीव करता था बहुत ज़्यादा, फिर मेरे पास इतना मेरा एक नेगेटिव फेज आया जहाँ मैंने ऐसा देखा कि तुम्हारे अंदर से एक फीलिंग आती है कि भाई गॉड मेरे साथ नहीं है, भाई क्या हो रहा है ये मेरे साथ। पर उसके बाद अब मेरे साथ, मेरे को पता है भाई मेरे को ऐसे ही जीना है, क्योंकि वो चले गए अब और मुझे मेहनत कर दी है, और ये सामने इतना बड़ा कोट है भाई, द वन यू लॉस्ट आर लिविंग देयर ड्रीम थ्रू यू, और बस मुझे मेहनत करनी है, ऊपर से वो सब मेरे ऊपर आशीर्वाद बना के बैठे हैं। एंड और ये चीज़ गलत है जो बोलता है कि दुनिया में भगवान नहीं है, तो कैसे मान लूँ मैं ये पूरा टर्म यूज़ करा था। सो वो बहुत क्रेजी भाई, भाई क्या बोलूँ यार, इतना इतना इजीली तो किसी चीज़ को इजीली तो बोलूँगा नहीं, बहुत ही हार्ड होगा भाई कर्मा के लिए भी, बट हमारे लिए हमें तो ईजी लगेगा क्योंकि हम बिहाइंड सिर्फ एक कंटेंट को देख रहे हैं जो कर्मा ने लिखा हुआ है, एक रैप को सुन रहे हैं, बट उसके पीछे उसने कितना झेला होगा, लिखा होगा, रिवाइड पे उसको याद करा होगा, रिवाइड इन द सेंस कि जो हुआ है वो सब चीज़ें याद करा होगा, भाई आंसू भी आए होंगे। सो बो पावर टू यू ब्रो, एंड दैट्स इट। कैसी लगी आपको ये वीडियो, आई होप अच्छी लगी होगी, एक बार एंड देख लेते हैं, शायद यही एंड है। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। शेज ऑन द बीट, सेज ऑन द बीट के साथ बहुत सारे गाने आ रहे हैं, एंड दे आर बूमिंग भाई। दुनिया बक्कार रील पे वायरल हुआ था, आई होप कि भाई ये भी वायरल हो जल्दी से जल्दी, क्योंकि रील्स ओनली सोर्स जहाँ से आर्टिस्ट के सॉन्ग्स को अच्छा खासा रीच मिलता है। सो या दैट्स इट।